गाइस आज हम बनाने वाले हैं बेसन का बर्फी। सो इसके लिए मैंने लिया है पहले घी जो 5 चम्मच है, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ लिया है चीनी जो 1 कप है, जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है। इसके साथ है ये सूजी, तो यहाँ पे धनिया का जो 2 चम्मच होने वाला है। और इसके साथ ये बेसन जो 5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। और उसके साथ है ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट लिया है, ये है आलमंड और ये है इलायची और सॉरी ये है किशमिश और इसके साथ 2 इलायची। सो गाइस मैंने ये घी यहाँ पे दे दिया है, ये पैन पर घी डाल दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे दे दिया है बेसन। अब सूजी तो 2 चम्मच देने वाला हूँ मैं। एक चम्मच डाल दिया है और 1 चम्मच तो ये अभी लिक्विड हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इसको लो फ्लेम में रखेंगे, लो फ्लेम में लेंगे। और यहाँ पे अभी हम चीनी का जो टाइम क्या हुआ है वो लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इलायची दे दिया है, हम कुक कर रहे हैं जो लोग फ्लेम में है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी दे दिया है।
फेल हो चुका है, सो एम बी ए ऐसे स्थिति हो जाएगा। सो अब इसको हम इस प्लेट में रखेंगे, ये हो चुका है, अब इससे बनेगा बर्फी। सो अब ये पूरे प्लेट में मैंने फैला दिया है। सो गाइस मैं एक चीज भूल गया बोलने के लिए कि प्लेट में मैंने घी लगा लिया है यहाँ पे, उसके बाद इसको यहाँ पे समझ गया। और अब मैं यहाँ पे दूंगा ये ड्राई फ्रूट्स जो है आलमंड्स एंड किशमिश। जैसे कि देख सकते हैं आपके यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बन चुका है इसके ऊपर। अब इसको ठंड होने के लिए हम इसको पैन के नीचे रख देंगे। सो गाइस अब इसको हम बर्फी के शेप में काटने वाले हैं, सो स्क्वायर शेप में। देखते हैं ये कैसा होता है, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रहा हूँ।